हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी सुबह का टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो अभी जो है अन्निका के पापा यहाँ पे लेट रहे हैं, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो चुकी है रात से, बुखार है इन्हें तो। लेकिन फिर भी अभी दवाई लेके आए इन्होंने, एक खुराक दवाई की ले ली है, देखते हैं बुखार उतरता है नहीं उतरता है। और जी आज हमें जाना था वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी धाम। अर्णिका के पापा को हो गया बुखार, तो देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले तो तबीयत की बात है, जो ठीक हो गए जाएंगे, नहीं ठीक हुए तो नहीं सही। तो अर्णिका यहाँ पे काफी देर हो गई उठ रही है, इसे दे रखे थे वजन चला के फोन में है? देखो हेलो बोलो, राम राम जी बोले बेटा, राम राम जी कर दो। और जब भी बैठी है, ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है। तो अभी हम चलते हैं बाहर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। आज मम्मी जो है बनाने वाली है गाजर का हलवा, तो अभी तैयारियों में लगे हुए हैं। ये देखिए मम्मी ने गाजर कस लिया है, कितने 2 किलो सारी होगी मम्मी, 2 किलो का गाजर का हलवा बनाएंगे, क्योंकि अभी गाय इतना दूध नहीं दे रही। हाँ दूध लेके आए हैं मोल, क्योंकि गाय की ना तबीयत खराब है, तो इसी वजह से दूध नहीं दे रही। तो चाची जी हर के यहाँ से मोल लेके आए, क्योंकि आज ना संकट है ना मम्मी, संकट चौथ बोलते हैं जी, तो वो है। और यहाँ पे आज के दिन बहुत सामान बनते हैं, जैसे कि खीर पूड़े वगैरह ये सब चीज़ें, हलवा ही बना लेंगे मीठी की जगह। जो हलवा नहीं बनाते तो खीर बना लें, पूड़े बना लें। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम से ठंडा, तो हवा भी चल रही। हम चलते हैं छत पे और देखते हैं कई दिन में आई आज मैं छत पे, क्योंकि जब धूप ही नहीं निकल रही तो कपड़े वपड़े भी नीचे ही फैला दे। तो हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ का हाल। ये देखिए गाइस, धुंध आ रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सूर्य देव तो बहुत दिन हो गए निकले भी नहीं बिल्कुल भी। ये देखो इधर चारों ओर चिड़िया वगैरह बैठी हुई, कौवा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी फुहार लग रही बिल्कुल, जैसे बारिश हो गया ना उस टाइम पे हो गया, बहुत ठंड हो रही। तो जी गाइस अभी जाएंगे नीचे, थोड़ा सा काम करेंगे, और अर्णिका के पापा की तबीयत में सुधार होगा तो जब भी बताएंगे आपको, क्योंकि उनकी ना तबीयत एकदम से ही डाउन होगी। 101 बुखार है उन्हें, हमने माप पता थर्मामीटर से तो 101 बुखार आया, पता नहीं क्या हुआ एकदम से अचानक से, रात 11 साढ़े 11 बजे बुखार हुआ इन्हें। तो फिर तलवो की थैली की तेल से मालिश करी तो इन्हें आराम लग गया, फिर सुबह ही खीर हो गया बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस अभी हम चलते हैं नीचे, काम करा लेते हैं और जी फिर अपनी तैयारी करेंगे जो ठीक हो गए अर्णिका के पापा जाएंगे। देखिए गाइस अभी जो है हलवा पूरी तरह नहीं बनाया, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा बनने में। ये देखो यहाँ पे आवे में नहीं बना रहे, दूध में बना रहे, ये देखिए, क्योंकि दूध में भी बहुत अच्छा लगा। ये देखो तो जब बन जाएगा जब भी दिखाएंगे आपको कि हमारा गाजर का हलवा कैसा बना है। अभी तो इसे काफ़ी टाइम लगेगा, घंटा सारा ही लग जाएगा, क्योंकि चीनी भी डालनी फिर इसमें, अभी तो दूध ही नहीं चला। तो गाइस अभी 9 बज चुके हैं यहाँ पे, अभी अर्णिका के पापा को थोड़ा सा हल्का सा आराम है शायद, क्योंकि पहले 2-3 कंबल ओढ़ रहे थे, और अभी यहाँ पे ऐसे नींद आ गई, ने दवाई लेके देखते हैं हाथ पकड़ के, नहीं अभी आराम है भगवान की दुआ से, क्योंकि एक खुराक दवाई ले ली है तो उससे आराम लग गया है। अभी सो रहे, सो जाने तो ही देखिए, क्योंकि थोड़ा सोएंगे तो उससे आराम मिलेगा। अर्णिका अभी नीचे गई हुई है चाचा जी के पास, वो तो बस उठते ही सारे एकदम उसे तो नीचे जाना यही बोलते रहे, ई ई ई ई करो जा बस, या तो टीवी चला दो या फिर उसे नीचे छोड़ जाओ, क्योंकि बस देख के खुश होती रहे, ये नहीं पता रहता कि क्या चल रहा है इसमें क्या नहीं। तो चलिए जी अभी हमारी जो पैकिंग थी अभी हो चुकी है, ये देखिए इसमें इसमें है कंबल है, बैग में ले लिया हमने और कहीं में लिया, कंबल है इसमें, पोलो ले ली जो बेड शीट होती है गर्म, और इसमें हमारे कपड़े हो गए, ये हो गया लॉक लग गया इस पर, लॉक लगा के रख दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान है, कम से कम 5-5 जोड़े हैं सभी के, 5-5 चीज़ें, क्योंकि एक दिन का एक जोड़ा और अर्णिका के 2-3 जोड़े एक्स्ट्रा है, अर्णिका के हैं 7-8 जोड़े, तो
एक पिट्ठू बैग जाएगा, इसमें रोटी लेके जाएंगे जो खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम रात को ट्रेन में चाहिएगा ना खाना खाने को। तो और दवाइयाँ वगैरह चली जाएगी, पानी की बोतल चली जाएगी, हंडी का भी दूध की बोतल है वो जाएगी, और मतलब कि एक गर्म मिल्टन की बोतल होती है ना गर्म पानी वाली, वो लेके जाएंगे क्योंकि दूध वगैरह के लिए। तो अभी ये सामान लगाएंगे बैग में। तो चलिए जी, अभी जो है अंडिका के पापा को लग चुका है आराम, तो फिर करते हैं तैयारी। हमें जाना है यहाँ से 1 बजे कम से कम, तो शाम के टाइम 5, 5:30 बजे या 6 बजे की ट्रेन है, 6 बजे की ट्रेन है, तो फिर भी हम यहाँ से जल्दी चलेंगे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है, शामली में थोड़ा ज़्यादा लगा रहता है ना, इसकी वजह से हम जल्दी जाएंगे। 1 बजे वाला यहाँ से टेम्पू जाता है, उसमें जाएंगे, 12 वाला जाता है, 10 वाला जाता है, 11 वाला जाता है, 1 घंटे बाद जाते हैं यहाँ से, तो उनमें जाएंगे, तो 12 वाले में जाएंगे, 1 वाले में जाएंगे, वो तो टाइम बताएगा। तो चलिए जी, अभी अपनी तैयारी करते हैं। खाने में हम मिक्सर सब्जी लेके जाएंगे, मिक्स वेज, तो शिमला मिर्च है, मटर है, टमाटर है, और गोभी है, आलू है, इन सब की सब्जी एक जगह मिक्स करके बना के लेके जाएंगे। अभी मम्मी गाजर का हलवा बनाने लग रही। ठीक गाइस, हलवा बन के हो गया है तैयार, और जी अभी बस शाम के टाइम लगेगा इसमें भोग, क्योंकि आज है संकट चौथ, तो हमारा है फास्ट, तो हमें जाना है मेहंदीपुर धाम बालाजी। अंडिका के पापा की तबीयत हो गई है ठीक, तो चलो भगवान का, बाबा का बहुत बहुत शुक्र, वरना सोच रहे थे कि जाने के नहीं, अगर तबीयत नहीं ठीक हुई तो, वैसे दवाई लेने से आराम लग गया बहुत जल्दी एकदम से। तो हलवा हो गया तैयार, ये शाम के टाइम भोग लगेगा, मम्मी बोल रही कि कुछ तुम भी लेके चले जाना, तो हम भी अभी नहीं खाने के, रात के टाइम खाओगे, तो पूजा हो जाएगी शाम के टाइम 4-5 बजे, तो उसके बाद जब ट्रेन में जाएंगे उसके बाद खाएंगे खाना वाला, जब ही फास्ट खोल लेंगे। हाँ दवाई ले रहे, और ये खेल रही अक्षी के साथ, माधव के साथ हैं, इनके साथ खेल रही, ठंड हो रही बेटा बाहर नहीं और इसे ये फ्रॉक पहना रखा आज पुंचा सा है लेकिन अच्छा लगा इसके जैसे 15 का बच्चा होया ना, ऐसे फिरोजा कपड़े पहन के ऐसे लगे हैं। पापा को तो पूछ ले, हाई गेट खुल रहा, पापा को तो देख ला, अपने बुखार हो रहा, मस्त बोला बस गिर की देख इस अभी हम बना रहे हैं खाना, खाने में बना रहे हैं हम आलू गोभी की सब्जी, और जी शिमला मिर्च है, मटर है, टमाटर है, इन सभी को तो मैंने काट लिए हैं, यहाँ पे चूल्हे पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अभी छोंक लेते हैं सब्जी। ये देखिए जी, तेल यहाँ पे गर्म होने लग रहा है, ये रहा सारा सामान, शिमला मिर्च, गोभी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, आलू और मटर, तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें डाल देते हैं हम जीरा। तो गाइस यहाँ पे जीरा गरम, जीरा भुन चुका है, और अभी इसमें डाल देते हैं अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, बस ये अपनी मगन धुन में मगन है, देखिए बेटे अन्नी का, हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रहे बेटे? तो अभी इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर और भी नमक स्वाद अनुसार, नमक जल्दी गल जाएगा, फिर इसमें डाल देंगे मटर, तो अभी इसमें हमने डाल दिए हैं मटर, इन्हें भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। क्या कर रहे हैं? मम मम है वहाँ, हमें पता, तो अभी यहाँ पे मटर टमाटर अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं गोभी और शिमला मिर्च, इन्हें भी भून लेंगे, इन्हें भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें अभी चला देते हैं,
तो ये सब्जी लेके जाएंगे हम खाने के लिए, क्योंकि ट्रेन में भूख लगेगी, खाना वाना तो चाहिएगा, और रोटी लेके जाएंगे, पूरी वगैरह कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए आलू भी डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा चिली पाउडर जिससे कि अच्छा कलर लाने के लिए। तो गाइस अभी हो चुके हैं हम तैयार, तो अभी खाना वाना खा लेंगे अर्णिका के पापा। और जी मेरा है फास्ट, मैं खोल लूंगी शाम के टाइम, क्योंकि आज संकट चौथ है ना इस वजह से, तो पूजा मैंने कर ली है, फास्ट शाम के टाइम खोला जाएगा। तो चलिए गाइस अभी जो है मिलेंगे आपको जाकर नेक्स्ट व्लॉग में, है ना क्योंकि सुबह से बहुत वीडियो बना ली, तो जो अगली वीडियो होगी वो नेक्स्ट में मिलेगा, मतलब यहाँ से शुरू होगी और फिर रेलवे स्टेशन पे, फिर बालाजी जाके, है ना। आप कुछ बोल रहा था सुबह से, बोल रही बुखार चढ़ रहा भाई, बुखार चढ़ रहा था, अब तो आराम है, जब चल दिया अब तो आराम है, जब इंजेक्शन लगवा गया अभी भी। हाँ फिर भी देखो ठंड लग रही, असल में बात यह है ठंड लग रही, बाइक से ठंड लगी यार, बाइक से। और खाना क्या खाया? अमरूद, अमरूद ज्यादा पसंद है ठंड में, तो ठंडे ठंडे अमरूद खा लिए, उससे ज्यादा ठंड लगी। 10 बजे बुखार चढ़ रहा, रात पूरी रात बुखार चढ़ रहा, सुबह 7 बजे डॉक्टर गया, दवाई लाया, आवाज भी चेंज हो रही दिख रही होगी। हाँ और खाना हमने पैक कर लिया है, मिक्स सब्जी बनाई थी, गजर का हलवा बनाया था। इसमें तो मैडम जी ने बैग ले लेना, ढोगा कौन, 1 2 3 नहीं सब मुजफ्फरनगर तक ले जाओ, आगे बोले उठा लेंगे बैग आगे, बस आप पिट्ठू बैग रखियो, पिट्ठू भी चाहिए मुझे दे दो, अंडिका को ले लिया आप। तो चलिए गाइस अभी अपनी वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।